Kanya-kanya berapa kita entar, aku lihat.
50 கரெக்ட் உனக்கு जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो प्रजापिता की भी पहचान होती है, क्योंकि बाप सुप्रीम सोल और बाप मनुष्य आत्माओं का बाप, दोनों बेहद के बाप हैं और दोनों एक साथ ही प्रत्यक्ष होते हैं, आगे पीछे नहीं। थोड़ों के आगे प्रत्यक्ष होते हैं तो, और बहुतों के आगे प्रत्यक्ष होते हैं तो। वही पर्सनैलिटी और वही व्यक्तित्व शिव की सरलता है, और शिव बाबा कहते हैं साकार और निराकार की मेल। शिव बाबा कहने से दो बच्चे हो रहे हैं और प्रजापिता कहने से अनेक बच्चे हो रहे हैं, ये आंसर क्यों? प्रजापिता कहने से अनेक बच्चे हो गए, ढेर सारे बच्चे हो। शिव बाबा के ढेर सारे बच्चे नहीं है, शिव बाबा बोले तो राम और कृष्ण दो ही बच्चे, जैसे कुमारी का बताओ शिव बाबा के कितने बच्चे है, तो फिर उन्होंने कहा एक बच्चा, असल में है तो दो बच्चे। शिव बाबा को जो दो बच्चे बताए हैं उनमें एक है बेसमझ और एक है समझदार। ब्रह्मा है देवी बुद्धि, इनका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा को बाबा देवी कहते हैं, वो भी बच्चा है। और फिर देव महादेव कहा जाने वाला भी बच्चा है, बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है। तो बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बड़े बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं पहले। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन का रचयिता है तब हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रैक्टिकल का गायन होता है, पावन आओ हमें पावन बनाओ पतित पावन आया, पावन आया मगर पति अटक गया। उस समय पतित पावन आया, बुलाने से मैं नहीं आता हूँ, तुम चाहे अकेले बुलाओ और चाहे हुजूम के हुजूम 40 करोड़ बुलाओ, मैं बुलाने से नहीं आता हूँ। जब आता हूँ तो पतित पावन बाप अपने आप ही आते हैं। अनजाने में आया, तो अनजाने में ही आया, 76 में आया या 36 में आया? 36 में आया बाप, आया पतित पावन बाप ने। अरे तो तुम बुलाया किसको? और मधुबनी का नाम महात्मा गांधी है, मधुबनी का नाम महात्मा गांधी, हाँ जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए कि एक थे गरम दल के सुभाष चंद्र बोस, वो अपने को मजबूर नहीं समझते थे और हिंदुस्तानियों को भी
मजबूर नहीं समझते थे, मजबूत समझते थे। और गांधी जी कहते थे हम ऐसे जीत नहीं सकेंगे अंग्रेजों को, बल हिंदुस्तान में पर पाकिस्तान का हिंदू मुसलमानों का बंटवारा हो जाने दो, वो भी सहन कर लेंगे, सिर्फ सहन करके ही हम जीत सकेंगे। लेकिन सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति दोनों का बैलेंस होना चाहिए या एक ही अति होनी चाहिए? इसलिए कहा गया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यहाँ बहुत ज्यादा नरकी करनी बिगड़ जाती है। कुंभ कहते हैं घड़े को, जैसे घड़ा आग पर चढ़ाया जाता है, कोई चीज पकाने के लिए तो वो चीज पक जाती है, तो ऐसे ही ये नरक की दुनिया जब परिपक्व स्टेज पर पहुंच जाती है तो उस दुनिया को कहा जाता है कुंभी पाक नरक, अति हो जाती है, फिर अति कांत होता है। आकारी स्टेज है सूक्ष्म शरीरधारियों की, ब्रह्मा जैसी आत्माओं की, जो बच्चा बुद्धि है, और बच्चा बुद्धियों की जो पालना लेने वाले हों वो भी कैसी बुद्धि हुए, वो भी बच्चा बुद्धि हुए। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की रहवरी में जो भी पलने वाले थे वो सब बच्चा बुद्धि थे, या प्रैक्टिकल में उन्होंने समझा कि पतितों को पावन कैसे बनाया जाता है, पतित दुनिया पावन कैसे बनेगी, बिंदी से बनेगी या बिंदी प्रैक्टिकल में आके कोई कर्म करेगी तब बनेगी? है प्रैक्टिकल में बनेगी। तो जिन्होंने इस राज को समझ लिया उन्होंने तो साकार में निराकार को याद किया, और जिन्होंने नहीं समझा वो फिर याद कैसे करेंगे, संबंध कैसे जोड़ेंगे? अगर दूसरों की देखा दूनी संबंध जोड़ भी लेंगे तो मति भ्रष्ट हो जाएगी, संबंध तोड़ भी देंगे। जो गंगा की जो सूत्र आठ सूत्र रहता है उसमें सात सूत्र पानी में डाल देता है, आठवां वाला कृष्ण है, और ऐसा ही कृष्ण को भी जो सात सूत्र होता है उसको कम से काट देता है, और आठवां वाला है उन दोनों से कोई भी संबंध नहीं किया, ये भी आठवां वाला है ये भी आठवां, वो माना जाता है। तो शास्त्रों में तो एक ही बात को 20 तरह से बता दिया, बात एक ही होती है। लोग यहाँ कुछ शरत करते हैं वो विजय माला में फिर जाएंगे, पूरा पुरुषार्थ नहीं, हाँ वही पूरा पुरुषार्थ जो संपूर्ण पुरुषार्थ करेंगे माने अपन को पक्का पक्का आत्मा बना के छोड़ेंगे, मैं देह नहीं आत्मा हूँ, आत्म की स्थिति पक्की पक्की धारण करेंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे, वो विजय माला में पिरोए जाएंगे माने जो आत्मा बन गया
देहभान नाम मात्र को रहा नहीं तो जैसे पांच विकारों पर विजय प्राप्त तो हो गई। जिनकी प्रैक्टिकल में पांच विकारों पर विजय प्राप्त तो हुई पड़ी होगी वो ही विजयमाला की मणकी बनेंगे, विजयमाला में पिरो जाएंगे। तब तक दुनिया में भटकना पड़े। और पुरुष पहले छोड़ते समय स्त्री याद आती है तो अगले जन्म में वो स्त्री जन्म लेगा, वैसा ही स्त्री पर ब्रह्म बाबा ने तो कन्या माता के संगठन में शरीर छोड़ा, इसी तर्क में तो कृष्ण बनकर जन्म लेना ना पुरुष, वैसा ही मामा भी राधा बनकर जन्म लेना, जगदम्बा तो लगातार तीन जन्म स्त्री का ही हमारा जगदम्बा के शरीर में जन्म नहीं लेता। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तल पुरुष का है, इसलिए माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता, इनकी पूजा नहीं होती है क्योंकि तन पुरुष का है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, उनकी पूजा कैसे होगी? इसलिए जब वो शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा किस रूप में जन्म लेती है? जगदम्बा के रूप में पूजा लेती है, जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। पर अगले जन्म में तो स्त्री जन्म है। जगदम्बा का पाठ फिर किसका है? हाँ तो जगदम्बा का पार्ट है ना बीच में, तो मानना पड़ेगा ना। मैं जन्म में स्त्री रूप में। हाँ अंत मते सो गते। और मैं हिंदू नहीं सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है पर उनको तो पहला पता माना गया ना, सुनने से पहला पत्ता बनेगा कि बीज बनेगा? बीज ज्यादा पावरफुल होता है या पत्ता ज्यादा पावरफुल होता है? तो फिर पत्ता बनना अच्छा या बीज बनना अच्छा? बात आ रही है। और आगे बिल्ली को वाले की चूड़ी पर क्या नरक मिलता है? बिल्ली को वाले की चूड़ी पर क्या नरक मिलता है? बिल्ली को हाँ बिल्ली बिल्ली अच्छा वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो बाबा कहते हैं माया को जल्दी जीत लो, माया को मार दो। माया रावण को मारना अच्छा है या बुरा है? हैं? अच्छा है तो माया भी बिल्ली है। और जो माया को मारेंगे जीतेंगे तो पहले स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और बाबा आपको रेकमेंड करते हैं और लाखुल कहते हैं, और किसके लिए रेकमेंड है और किसके लिए लाखुल है? न बाप रहम दिल है और न कृपा करने वाला है। वास्तव में हमको अपने ऊपर अपने आप कृपा करनी होती है, ये भक्ति मार्ग का अक्षर है। मुरली में ही तो आज पढ़ा है, इसीलिए तो बताया ये भक्ति मार्ग वाले उठाते हैं कि कृपा करने वाला है भगवान, रहम दिल है, ब्लिसफुल है। ये जो ज्ञानी बच्चे होते हैं वो मांगने का काम भगवान से भी नहीं करते, भगवान रास्ता बताता है ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा।
इसमें कृपा की बात ही नहीं। हाँ जो बताओ यानी जो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, इच्छा है। इसमें इच्छा की क्या बात हो गई? लाफुर और लफुर जिस ला में लव ही न हो वो ला कंप्लीट है। ला और लव का बैलेंस चाहिए तब विष्णु का राज्य आवेगा। और 8 घंटे आपकी स्थिति में रहने से बाबा खुशी के ऊपर कंट्रोल ले लेंगे, है नहीं? बड़े में काम है नहीं? तो 8 घंटे आने की स्थिति के लिए संसार के लिए क्या जो मुरली में बोला वो सब करना पड़े। आत्मिक स्थिति लाने के लिए जो मुरली में बोला वो सब करना पड़े। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अपना धन सारा बैंक में जमा कर दें, मकान खरीद के डाल दें तो बुद्धि कहाँ जाएगी? उधर ही जाएगी। अपना तन किसी देहधारी के प्यार में लगा दें स्वाहा कर दें तो बुद्धि कहाँ जाएगी? है देहधारी की याद में चली जाएगी। तो बाप कहते हैं जितना अर्पण में ईश्वरीय सेवा में उतना आत्मा दर्पण बन जाएगी। आत्मा जैसे बन जाएगी शीशा, सबसे बड़ा शीशा है बाप, फिर बच्चे हैं। नंबर बार चकोर भी है तो चकोरी भी है। क्या चकोरी नहीं है सिर्फ, क्या है? चकोर भी है और चकोरी भी है। ये भक्ति मार्ग में कहते हैं और सच्ची बात भी है कि वो प्यासा रहता है लेकिन पीता नहीं है। जब बरसात शुरू होती है तो पहली बरसात का बूंद पीता है। वास्तव में ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा की बात है। तू उस पार मैं इस पार, चकोर पक्षी एक दूसरे किनारे पर बैठते हैं और ज्ञान बरसात जब शुरू होती है तो वो ही ज्ञान जल पीते हैं। बाकी भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष में और किसी मनुष्य मात्र का सुनाया हुआ ज्ञान स्वीकार नहीं करते। और मातेले जो होते हैं वो पहली पहली जो माँ होती है उसके बच्चे होते हैं, और जो सौतेले होते हैं बाद में जो जितनी माताएं बनती हैं उनके बच्चे होते हैं। ज्यादा प्योरिटी की पावर से कौन से पैदा होते होंगे? पहली माँ के बच्चे जो होंगे वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं, इसलिए वो सच्ची माँ के बच्चे कहे जाते हैं।
ये ये अभी तक पूछने की बात है, माँ का पार्ट है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। वो कहने वाले कुछ भी कहे, बाबा ने क्या कहा मुरली में कि शिव बाबा किसे कहेंगे, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहेंगे। निराकारी स्टेज वाला भी हो और फिर साकार भी हो तब कहेंगे बाबा। बाकी तो दादा लेखराज बूढ़ा था, इसलिए बूढ़े होने के कारण इनको बाबा कहते थे। बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है। जब ब्रह्मा बाबा को दिल का दौरा पड़ा समय पास में कौन कौन थे? मोहन बच्चा था भाइयों में और दो चार कन्या माताएं और भी थी। उनका मैं स्वर्ग में जाके कृष्ण बच्चा बनूंगा। द्वापर में और कलयुग में जो राजाई मिलती है वो राजाई बाप देते हैं क्या? द्वापर युग में इस्लाम धर्म का फाउंडेशन नहीं पड़ता है। इस्लाम धर्म का फाउंडेशन भी संगम युग में पड़ता है, इसलिए दीन इलाही कहा जाता है। विधर्मियों में भी पहला पहला धर्म है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाबा लक्ष्मीनारायण के चित्र में लक्ष्मी के पीछे आधा कपड़ा दिखाया गया है। बाबा ने कहा अभी इस्लामी उनको सुरक्षा कर, लक्ष्मी के पीछे जो हरा वाला कपड़ा दिखाया गया है। एक वार्तालाप में बाबा ने कहा इस्लामी उनका सुरक्षा कर, क्योंकि अभी विष्णु के चित्र में जब लक्ष्मी आएगी तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? कौन से धर्म की आत्मा है उसकी सुरक्षा कर रही है? बीज रूप में आने के बाद वही पार्ट क्यों? बीज रूप में बाप सुरक्षा करेगा या दूसरे धर्म की आत्मा सुरक्षा करेगी? और प्रत्यक्ष होना सही माने नहीं है, प्रत्यक्ष होने का सही माने में है पारसनाथ। जो सामने आवे वो ही चेंज हो जावे। अमरनाथ यात्रा में जो भी वो बर्फ से बनी हुई देश को देखने के लिए जाते हैं ना, तो फिर उस समय ब्रह्मा बाबा वहाँ जाकर के जगन्नाथ की यात्रा में बर्फ से बनी हुई लेक अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ यात्रा में बर्फ से बनी हुई लेक को देखने के लिए
लाखों लोग जाते हैं तो भी उसका में ब्रह्मा पीछे लोग कहते हैं ब्रह्मा बाबा वहाँ जाके वहाँ रहने वालों से कुछ पैसे दे के पूछे तो वो लोग कह रहे हैं वो हमें वो सजा के रखते हैं ऐसा दिन को ये सच्चा ही जाता है। वो बात मुरली में बेहद की बात क्लियर करने के लिए बोला है। बेहद की बात ये है कि कोई ब्राह्मण बच्चा है जो इंद्रियों को शीतल बनाता है याद में, गुप्त पुरुषार्थ करके, गुप्त माने गुफा, वो बेहद की बात बताई है मुरली में कि कोई ब्राह्मण बच्चा है वो जाकर के शिवलिंग बना के आ जाता है। ऐसा भी जो बाकी बार ये जो भी यात्रा करने निकल रहे हैं वो ऐसा कुछ का कुछ बन के कोई बना के रखते हैं। भक्ति मार्ग में ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो बनाई हुई है, जैसे समुद्र में पुल दिखाया हुआ है जहाँ लंका और भारत के बीच का जो हिस्सा है उसमें उथला उथला हिस्सा दिखाया गया है, कहते वहाँ पुल था, राम ने पुल बांधा था, तो बनाई हुई बात हो गई ना। कोई ऐसे पत्थर थोड़े डाले थे पानी में, वो तो पत्थर बुद्धियों की बात है जो ज्ञान जल में तैरते हैं, डूबते नहीं है। और धर्म की आत्माएं उस जल में डूब जाती हैं, और जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो डूबने वाले नहीं है, ज्ञान का पुल तैयार कर देते हैं। पहला ज्ञान सूरी को दिया माने प्रैक्टिकल में ज्ञान सूरी को नहीं दिया। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का जो रहस्य मिला वो प्रैक्टिकल में नहीं दिया, शिव ने दिया। तो दुनिया जानती है कि चंद्रमा प्रकाश किससे लेता है, सूर्य से लेता है। और बाबा शंकर जी सदा याद में रहता है और शंकर जी की कैरी लगती है साक्षी जगह, शंकर जी सदा बिजी में रहता है याद में, तो फिर उनको प्यार करने का टाइम कब होगा साक्षी नगरी से प्यार कब? बाकी वो भक्ति मार्ग वालों ने बोला है या मुरली ने बोला है? बोला गया वो भक्ति मार्ग के शास्त्रों में बोला गया है या मुरली ने बोला? वो दूसरा मन का जरूर है लेकिन उसमें चंद्रवंश का पुट भरा हुआ है, और जो अष्टदेव हैं उसमें और धर्मों का पुट भरा हुआ है, लेकिन जो दूसरा मन का है अष्टदेवों का उसमें विशेष चंद्रवंश का पुट भरा हुआ है, विजयमाला की विशेषता भरी हुई है। इसलिए जब नई दुनिया का फाउंडेशन लगाते हैं तो सूर्यवंश की आत्माओं से लगाया जाएगा या चंद्रवंश इस्लाम वंश की आत्माओं से लगाया जाएगा, तो वही लगता है। उसमें चंद्रवंशी भी चाहिए और सूर्यवंशी भी चाहिए,
पालना करने वाले, जैसे पक्का स्वर्ग जब स्थापन होगा तो चंद्रवंशी राधा भी चाहिए और सूर्यवंशी नारायण भी चाहिए। बाबा को भी जो झूठे आरोप सुनाते झूठे समाचार सुने थे वो सब सत्संग में जाएंगे या झूठखंड में जाएंगे? बाबा को जो भी झूठे समाचार सुनाते हैं, झूठे आरोप सुनाते हैं, वो सब सत्संग में जाएंगे या झूठखंड में जाएंगे? जो जैसा करेगा उसको वैसा जरूर मिलेगा। साकार को कोई बुद्धू बना सकता है, उसका नाम है भोलेनाथ, लेकिन अंतर्यामी को कोई बुद्धू बना सकता है क्या? भोला क्यों बनता है? भोला क्यों बनता है? बाप कहते हैं ना, बाप ज्ञान सूर्य शिव भोलों को मिलता है या चाणों को मिलता है? तो जो 100% भोला होगा उसको मिलता है पहले। पर बाबा कहते हैं मैं बुद्धिमान का बुद्धि हूँ। ठीक है, बुद्धिमानों की बुद्धि आकर के क्या बनाएगा? और बुद्धिमान बनाएगा। पत्थर बुद्धियों को कारक बुद्धि बनाएगा या जो पहले से ही बुद्धिमान है उनको बुद्धिमान बनाएगा? और अष्टदेवों की पूजा नहीं होती? होती तो है। उत्तर भारत में अष्टदेवों की पूजा नहीं होती ऐसे नहीं कह सकते। उत्तर भारत में भी नवग्रहों का पूजन होता है, लेकिन उनका विग्रह नहीं दिखाते हैं। विग्रह माना शरीर नहीं दिखाते हैं। मूर्ति की पूजा उत्तर भारत में नहीं होती है। उत्तर भारत में वो आत्माओं को नवग्रह के रूप में पटली पर बना देंगे, उनका पूजन करेंगे, माने रुद्रमाला के मणके के रूप में जो है उनका पूजन करते हैं। देह को नहीं देखते कि ये उत्तर भारत के हैं कि दक्षिण भारत के हैं। आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है या देह उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है? देह उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है। तो देहवानी देह को देखते हैं और आत्माभिमानी आत्मा को देखेंगे। तो दक्षिण भारत वालों को ये होना रहता है कि अष्टदेव जो शरीरधारी हैं वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में, उनका ज्यादा तबका दक्षिण भारत से निकलता है, इसलिए दक्षिण भारत में उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं और पूजी जाती हैं और मंदिर बनते हैं। वास्तव में ये कोई बात नहीं है, ये उत्तर भारत का है, ये दक्षिण भारत का है। आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की नहीं, आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लेती रहती है। तो देह के हिसाब से जो देखते हैं वो ये काउंट करते हैं कि उत्तर भारत का है कि दक्षिण भारत का है। दूसरा मन में पर्दा भी करेंगे तो फिर बीजेपी की दुनिया में दादियां किसको करेंगे? बाकी सब दादियां हो गई, दादे हो गए, वो है ही पूर्वज। पूर्वज तो अष्टदेव है, उन्हीं पूर्वजों में से कोई दादियां हैं और वो उन दादियों की भी परदादी है। माना वो आठ में ही है, वो आठ में ही है दादा। बाबा राजा जी कहते हैं भी होंगे क्या?
बेसिक नॉलेज की दुनिया में धृतराष्ट्र और गांधारी जो हैं वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म और हरे और चंद्रवंश ज्ञान चंद्रमा, तो उनके कोई बीज है, बीज रूप आत्मा में नहीं होंगे? कौन से वंश के होंगे? इस्लाम वंश के होंगे, ठेट इस्लामी होंगे और ठेट चंद्रवंशी होंगे। चलो हो गया।
राम जयंती मनाते हैं दोपहर को, कृष्ण जयंती मनाते हैं रात्रि के 12 बजे, और शिव जयंती भी मनाते हैं रात्रि के 12 बजे। बाप के साथ बच्चे की जयंती मनाई दी है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता है, किसके साथ प्रत्यक्ष होता है? बच्चे के लिए बाप रुका हुआ है। तो कहाँ की बात हो गई? संगम युग की बात हो गई। बाबा, कभी स्टार्ट नहीं होती है, वो तो अनादि है। कब शुरू कहेंगे? संगम युग कब शुरू कहें? हाँ, समझ में आया तो बताओ कब शुरू कहें। कब कहें? 36 में कहें, 68 में कहें, 76 में कहें, कब कहें? तो नई सृष्टि की शुरुआत कहें? ये सृष्टि अनादि है, अनादि है और अनंत है। अभी तो कह रहे थे। हाँ, अच्छा कैसे बोला सो बता दो। सत्युग के आदि माने राधा कृष्ण का जब से जन्म होता है तब से सत्युग की आदि कहें। उसे सत्यो प्रधान कहें। हम कहाँ घुमा रहे? हम तो पूछ रहे हैं। जो सृष्टि अनादि है वो शुरू कैसे होगी? अगर कहें सृष्टि शुरू हुई तो कहेंगे कब शुरू हुई, कब अंत हुआ? हाँ, सतो प्रधान की शुरुआत नहीं होती है। जब शुरुआत होती है तो उसका किसी तारीख नहीं निकाली जा सकती। हाँ, क्या चाहिए? हाँ? संगम का मतलब ही है तमो प्रधान और सतो प्रधान का मेल। हाँ जी, ठीक है। धीरे धीरे काहे के लिए कानून बोल रही? पूरा घुमाए तेरे, जिसका घुमाने का ही काम है वो घुमाएगा ना। कौन है और कौन है बहिर्यामी? यही है ना, है अपन लोग हैं बहिर्यामी, है जिनको आँखों से देखा जाता है, और जो आँखों से नहीं देखा जाता है वो अंतर्यामी, जो इन आँखों से नहीं देखा जाता है वो अंतर्यामी। और बाबा, असुरों में ज्यादा ताकत है और देवता में कम ताकत है, क्यों बाबा? इसलिए कि वो भोले वाले होते हैं। कौन? देवताएं भोले वाले होते हैं, सीधे सच्चे होते हैं, तिकड़म वाले नहीं होते हैं। और असुर तिकड़म गिराने वाले होते हैं, 420 ही भरी हुई होती है, झूठे होते हैं, झूठे। हाँ, तो उनमें ताकत ज्यादा होती है, लेकिन भगवान किसका सहयोगी बनता है? सीधे सच्चे जो होते हैं उनका सहयोगी बनता है। मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन सोई जन। मनुष्य मोहि भावा,
मुझे कौन अच्छा लगता है, भगवान को कौन अच्छा लगता है? जो निर्मल मन वाला है, अंदर बाहर से एक है, अंदर से भी सच्चा है बाहर से भी सच्चा है, भोला वाला है, वो मुझे अच्छा लगता है। जिसके अंदर छल छिद्र कपट भरा हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको सहयोग नहीं मिलता मेरे से पहले। हाँ मृत्यु देवता कहते हैं ना, कहते हैं ब्रह्मा मृत्यु देवता को सृष्टि किया, ऐसे भी कहते हैं तो कौन थे मृत्यु देवता? महाकाल कौन है? कोई महाकाल है ना? मंदिर उसका कहाँ बना हुआ है? हैं? उत्त जैन, उत्त माने ऊंचा, जैन माना जिन से बना है, जैन जित, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उन जीतने वालों में जो सबसे ऊंचा है वहां का वासी है महाकाल। उसको कहते हैं रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला, उसका नाम है काम के आधार पर, जो यज्ञ रचता है उसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। शिव कल्याणकारी है या रौद्र भयंकर रूप धारण करने वाला है? है कल्याणकारी है सदैव, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो माथा मुड़ने वाला है। क्या? किसका माथा मुड़ता है, असुरों का या देवताओं का? भोले वालों का मुड़ता है या छल छिद्र कपट वालों का मुड़ता है? हैं? असुरों का मुड़ता है। सारी दुनिया नंबर वार असुर बन जाती है। और तिरुपति मंदिर में कोई रह जाता है जिसका माथा न मुड़ा जाए? है वो भगत नहीं होते हैं, जिन्होंने भक्त भक्ति नहीं की है वो ज्ञानी भी नहीं बनेंगे। और देख लो माथा भी मुड़े और सबसे ज्यादा पैसा भी ले ले, इकट्ठा कर ले, पैसा लेके माता को मुड़वाते हैं। हाँ तारीफ तो यही है, धन का धन अर्पण कर दिया सारा और माथा का माथा भी मुड़वा लिया। और बाबा जो भी मिशन के बच्चे हैं वही लोग मिसवर्ल्ड का मुकाबले में जाते हैं। हैं? मिसवर्ल्ड का मुकाबले में जाते हैं। मुकाबले में? अच्छी बात है ना। तो मामा भी मिशन के कंपनी, जब कुमारी तो धारण करे किया होगा तो मिस इंडिया बनी होगी। कुमारी जीवन धारण नहीं किया होगा तो मिस इंडिया कैसे बनेगी? हैं? हैं? बाबा लौकिक में कहते हैं चंद्रमा को रोहिणी से मनुष्य जाते हैं, रोहिणी कौन है बाबा? कौन दादा? रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र में होता है, इसलिए ऊंचा नक्षत्र माना जाता है।
गणेश की नहीं करते हाँ, गणेश की भी पूजा करते हैं, वो भी भगवान का बच्चा। और सन्मुख का, सन्मुख माने कार्तिकेय, कार्तिकेय की भी पूजा करते हैं। दोनों की पूजा होती है। गणेश की पूजा देवगण ज्यादा करते हैं, वो किनका ही इसे है, गणों का, ज्ञानियों का अग्रणी है। बुद्ध रूपी पेट बड़ा दिखाया जाता है गणेश, वो ज्ञानी है, एक बात बोलता है। और सन्मुख का मतलब है छह मुख से बात करता है, जैसे रावण कितने मुख से बात करता है, 10 मुखों से बात करता है। है वो तो उसका आधार लेता है, वो खुद नहीं है, क्या खुद मोर नहीं है, वो उसका वाहन है, उसका आधार लेता है, उसके ऊपर सवारी करता है। सन्मुख को दो पत्नी दिखाते हैं, को भी दो पत्नियां दिखाते हैं। माता जी को बुला देते हैं। हाँ और हाँ जी, गंगा उत्तर भारतीय उद्धार करके बताते हैं ना, क्योंकि दक्षिण भारत में गंगा बहती नहीं दिख रही है, लेकिन कोई भी दक्षिण भारत है, भारत का विदेश, लेकिन कोई भी तो जिसको विदेश बोला गया है, वहाँ भाई बहनों में ज्यादा व्यभिचार होता होगा या उत्तर भारत में ज्यादा होता होगा? यहाँ अभी भी परंपरा है, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, फूफा की लड़की, इनके साथ शादी कर देते हैं। जैसे मुसलमानों में, अरब देश में भाई बहनों में शादी होती, सगे भाई बहनों में शादी हो जाती थी। तो ज्यादा पति तो दक्षिण भारत के थे ना, तो दक्षिण भारत को गंगा पावन बनाना है। दक्षिण भारत के लोग ना ज्यादा पतित बनते हैं और ना ज्यादा पावन बनते हैं, उत्तर भारत के लोग ज्यादा पतित बनते हैं। अखबारों में अक्सर करके ज्यादा मार धाड़, ज्यादा चोरी डकैती छिनरा, ये खबरें उत्तर प्रदेश की आती हैं या दक्षिण भारत की ज्यादा आती हैं? उत्तर भारत की ज्यादा आती हैं, तो देश बहुत पतित बन जाता है। बाबा कोई काशी जाएंगे तो काशी गंगा लेके आके अपना घर में रखे बहुत पूजा करते हैं, तो है कोई भी शादी जाएंगे ना, गंगा लेके आते, गंगा लेके नहीं आते, गंगा जल लेके आते हैं। भाव पकड़िए ना, भाव पकड़े, भाव कैसे पकड़े? ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान दाता अलग चीज है। हाँ। अगर अगर गंगा दक्षिण भारत में आ जाए, नहीं बाबा जल जला तो किसके यहाँ से लेकर अपना घर में रखे करते हैं। हाँ जी, तो उत्तर 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 भारत से ही ज्ञान आता है, कहाँ से आता है ज्ञान की गंगा, कहाँ से आती है? उत्तर भारत से ही।
तो जहाँ से आती है वहाँ लेने के लिए जाना आना पड़ता है, वो यादगार बनी हुई है भक्ति मार्ग की, संगम युग की। संगम युग में पहले पहले जास्ती चक्कर ज्ञान उठाने के लिए दक्षिण भारत भारतवासियों ने लगाए हैं या उत्तर भारतवासियों ने लगाए, भाषा नहीं जानते हैं तो भी जास्ती चक्कर काटे हैं दक्षिण भारत वालों ने, है? हाँ, लेकिन गंगा को नहीं खींचा। शिव बाबा तो पार्ट है उसका, सबका है शिव बाबा, जो हिम्मत करे उसको मदद देने के लिए बांधा हुआ है। ये नहीं देखता ये पापी है ये पुण्य आत्मा है, तो जानता है तमो प्रधान बनते हैं तो सब पापी बन जाते हैं, सतो प्रधान है तो सब पुण्यात्मा है, तो किसी के भाव स्वभाव को क्यों देखना। भारत सारी दुनिया का बीज है, भारत सारी दुनिया का माता पिता है, तो माता पिता में स्वदेश भी समाया हुआ है और विदेश भी समाया हुआ है, माता पिता का देश कहा जाता है। दूसरे देशों को माता पिता का देश नहीं कहते, वहां सिर्फ धर्म पिताएं ही गाए जाते हैं। क्रिसमस के अवसर में है क्रिश्चियन लोग घर में क्रिसमस से बनाकर रखते हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जब संगम युग में भगवान बाप आते हैं तो सीढ़ी के चित्र पर क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं उतना समझती हैं, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी नहीं समझती हैं। कौन से चित्र पर उनको ज्ञान ईश्वरीय ज्यादा समझ में आता है? झाड़ के चित्र में। इसलिए घर घर में उन्होंने झाड़ रख दिया है। और ज्ञान की ज्यादा गहराई में जाएंगे वो बेसिक नॉलेज वाले जो टीचर्स होते हैं क्या कहते हैं, ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, डूब मरेंगे। और बाबा क्या कहते हैं, खूब विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करने में डरने की कोई बात नहीं, जितना जितना गहराई में जाएंगे सागर के उतना जास्ती रतन ढूंढ के लाएंगे। ये बात गलत है, कि ज्यादा अमृत रस पी लेंगे तो पेट में विष पैदा हो जाएगा। ऐसा किसी ने अनुभव किया क्या, कि ज्यादा मुरलियां सुनेंगे, ज्यादा मुरली देखेंगे, ज्यादा VCD देखेंगे तो बुद्धि भिखारी बन जाएगी? और ही जितना जास्ता जितना जास्ती सुनते हैं, मनन चिंतन मंथन में जाते हैं और ही अंदर खुशी होती है। भाव तुम बताओ, कुछ मीठा ज्ञान खानी है तो एक्सपीरियंस। वो मीठा है, वो मीठा होता है शुगर की बीमारी पैदा कर देगा। ये अमृत जो है, जो अमृत रस कहा जाता है, मुरली भगवान की, उसको मीठा नहीं कह सकते, वो शुगर की बीमारी नहीं पैदा करेगा। बाबा तो मुरली में कहते हैं कि मुरली पढ़ेंगे जब तो कोई पाप कर्म नहीं बन सकता। अरे मुरली की तो बात ही छोड़ो, जो शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र जिस समय पढ़ते हैं सुनते हैं और सुनाते हैं उस समय उनका कोई पाप नहीं बनता, तो शास्त्रों में तो फिर भी मिक्सरिटी है और मुरली में तो वो मिक्सरिटी की बात नहीं है। बाबा
बाबा हरिजन ग्राउंड में बाबा हरिजन का संगम में कब शूटिंग होता है? हरि कहते हैं कृष्ण को, भक्ति मार्ग में हरि कृष्ण को कह दिया है, वो समझते हैं कृष्ण भगवान है, तो वास्तव में हरि है भगवान जो पापों का हरण करने वाला है, और जन्म माने मनुष्य जो भगवान के मनुष्य हैं, भगवान के जन हैं, भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंधियों की ताकत से सारी ताकत लगा के किसके पीछे पड़े हैं? भगवान के पीछे पड़े हैं, वो हैं हरिजन। दुनिया में भक्ति मार्ग में हरिजनों से छू 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 करते हैं, वो कहाँ की यादगार है? हैं? इस संगम युग में इस समय जब भगवान आते हैं और जो असली हरिजन बनते हैं भगवान के पीछे पड़ते हैं, सारी दुनिया उनसे छू छू करती है। वो भक्ति मार्ग में जो हरिजन कहे जाते हैं वो वास्तव में भगवान के जन नहीं है। हाँ ये कहेंगे कि समाज की सेवा करते हैं, गंध उठाते हैं तो समाज की सेवा करने वाले हैं, बाकी भगवान के जन हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पर चलते हैं, ये तो नहीं कह सकते। वो है भक्ति मार्ग के हरिजन क्या, और ये हद के, और ये हैं बेहद के हरिजन। पति मरने पर सती भी आप पर बलि चढ़ती है ना? पति मरने से है सती भी आज पर बलि चढ़ती है ना? वो परंपरा पड़ गई इसलिए ऐसा हो गया। असली बात होती है कि जब भक्ति मार्ग में कोई युद्ध पर राजाएं जाते थे और राजाओं के साथ जो सेना जाती थी भाई लोग, तो युद्ध में जाने वालों के पीछे जो उनकी पत्नियां होती थी, चाहे राजाओं की पत्नियां हो चाहे सोल्जर्स की पत्नियां हो, वो जौहर बना के तैयार करके रखती थी कि अगर हार हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, अपने शरीर को क्या कर देंगे, खलास कर देंगे। क्यों? पवित्रता की रक्षा के लिए। तो इतना मान था उनको कि हमारे शरीर को कहीं मुसलमान लोग जो विभिचारी हैं, वैश्या वृत्ति करने वाले हैं, लंपट हैं, उनके हाथ से हमारा शरीर टच न हो जाए या हमारे शरीर के साथ दुष्कर्म न करें, तो अपनी सुरक्षा करती थी। बाद में वो परंपरा पड़ गई कि जो घर में जीता जागता पति मरा तो पत्नियां उनके पीछे उनको जलाना शुरू कर दिया। वो तो गलत बात है। अभी शूटिंग हो रही है ना, अभी आगे चल के और ज्यादा युद्ध बढ़ेगा क्या, सारी दुनिया में बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे होगा रिवॉल्यूशन? जो एडवांस पार्टी में सूर्यवंशी है, उन सूर्यवंशियों का दूसरे दूसरे जो वंश वाले हैं एडवांस पार्टी में, बीज रूप आत्माओं में, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चंद्रवंशी की हेड हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, इस्लाम वंशियों के हेड हो, या कोई भी वंशी हो और उनके हेड हो, वो सब विरोध करेंगे और अभी विरोध करते हुए देखे भी जाते हैं।
इतना इतना तक विरोध करेंगे कि जब देखेंगे हमारे सीमित विरोध से कुछ भी नहीं होता है, सूर्यवंशियों का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, तो क्या करेंगे? वो बेसिक वालों से मिल जाएंगे। क्या? जो बेसिक वालों के अंदर आधार मूर्तों में चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी जो जड़े हैं, उनके साथ मिक्स होकर के एक हो जाएंगे। उनके पास ज्ञान तो है नहीं, और इनके पास तो ज्ञान है, लेकिन पूरी बाप की पहचान नहीं है। अगर पूरी पहचान होती तो विरोधी क्यों करते? तो उनके साथ मिक्स हो जाएंगे। और बेसिक वाले किसके साथ आज मिक्स हो रहे हैं? दुनिया वालों के साथ। दुनिया वालों में जो और धर्म के मुखिया हैं, महंत बैठे हुए हैं, राज्याधीश और धर्माधीश बैठे हुए हैं, उनके साथ उन्होंने पूरी दोस्ती गांठ रखी है। तो एक तरफ मुट्ठ भर सच्चाई वाले लोग और दूसरी तरफ सारी दुनिया के झूठे लोग। तो ज्ञान और अज्ञान का बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। इतना बड़ा विरोधाभास। कौन टक्कर ले सकेंगे? जिनके अंदर पक्का होगा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम बच्चे आए हो हथेली पर सर लेकर के बाप के सामने, तो ये युद्ध है, मायावी युद्ध है। माया रावण की सेना बहुत भारी है और पांडव अब सिर्फ कितने हैं? 5 मुट्ठी भर। तो युद्ध चल रहा है, जैसे हिस्ट्री में देखा जाता रहा, बाबर की सेना अकूत, औरंगजेब की सेना अकूत, और शिवाजी के मुट्ठ भर सैनिक, पद्मिनी की कथा बहुत प्रसिद्ध है, तो जब आक्रमण हुआ विदेशियों का तो मुट्ठ भर जो सूर्यवंशी आत्माएं थी उनकी पत्नियों ने जौहर कर लिया, वो तो आग में जल मरी। वास्तव में यहाँ कौन सी आग है? हैं? जिसमें देह नहीं खलास होती है, देह भान खलास होता है, वो कौन सी अग्नि का जौहर है? योग बल का जौहर। वो संगठित होकर के याद में बैठ जाएंगी और देहवान को खलास कर देंगी। बाबा, रानिया वाले आत्मा ये भी कई जन्म राजा बनते हैं? रानी वाली आत्मा राजा नहीं बनती है। जो रानी बनती है वो विजयमाला के दाने हैं, वो चंद्रवंश से आते हैं, वो आधीन रहने की स्वभाव संस्कार वाली है। त्रेता सचिव की तो राजा की बात ही नहीं है, वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है जिसके ऊपर शासन किया जाएगा। द्वापर युग की बात है, द्वापर युग में कलयुग में अनुशासनहीन होते हैं, तो वहाँ शासक और शासन करने वाले राजा की जरूरत है। सचिव त्रेता में तो सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है, वहाँ कोई को कंट्रोल करने की दरकार नहीं है।
लेकिन रानी वाले आत्मा ये है कलयुग में राज्य करते हैं। हाँ जी हाँ बोलो। क्या पूछना चाहते हैं? बोलो। रानी वाले आत्मा है राज्य तो करते हैं, निवास में राज्य करती है, दोनों राज्य करते हैं, तो इसमें क्या अंतर, क्या पता है क्या अंतर है? द्वापर कलयुग में जो राज्य होता है वो विकारी राजाओं का राज्य होता है, और सत्युग त्रेता में राज्य होता है निर्विकारियों का राज्य होता है, तो अंतर नहीं होगा? वहाँ हिंसालु राज्य होता है और वहाँ अहिंसक राज्य होता है, वहाँ कोई प्रकार की हिंसा नहीं होती सत्युग त्रेता में, और द्वापर कलयुग में हाँ आक्रमण करो और बड़ा राजा बनो, आक्रामक हो जाते हैं राजाएं। किसी को वोट देंगे तो 4 साल से दिया तो प्रतिनिधि नहीं आया, तो प्रतिनिधि कोर्स करना ही है? आता है तो कोर्स करना है, वो लोग किसी नहीं कहके छोड़ देना, कोर्स मत आता है, जो आता है उसको समझाना है। अरे हम वोट दिया उन लोग किसी ने कभी नहीं आया, 5 साल दिया। अब नहीं आएगा तो क्या पीछे पीछे फिर रहेंगे? नया वाला तो कर सकता है ना। नया हो पुराना हो अपने आप आता है तो उसको क्यों नहीं समझाना है? टाइम हो गया अब। ये रावण के सर कभी खत्म नहीं होते, ये प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न चलते ही रहते हैं।